Beautiful ladies, welcome to our channel Tips and Home Remedies, and this is Preeti back again with amazing things. Friends, pregnancy बहुत ही खूबसूरत एहसास है और pregnancy के जो 9 महीने हैं वो बहुत ही amazing experience है. लेकिन ये जो 9 months का time period है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ आप अपना ख्याल रखती हैं बल्कि अपने बच्चे का भी ख्याल रखती हैं. तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें लोग समझाते भी हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए. इसलिए प्रॉपर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो आज मैं आपके लिए ऐसे 5 अमेजिंग थिंग्स लेकर आई हूँ जो आपको पता होने चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो आइए देखते हैं कौन सी हैं वो 5 चीज़ें. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीपिंग पोजिशन. जी हाँ, आपके सोने का तरीका. आपको लगेगा सोने में ऐसा क्या है, जबकि आपकी स्लीपिंग पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए. स्पेशली जब आप 5 to 6 मंथ्स में, यानी कि अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एंटर कर चुकी हैं, मतलब आपका जो 5th और 6th मंथ है उस टाइम पे आपका टमी इंक्रीज होना शुरू हो गया है, तो ऐसे टाइम पर आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं लेटना है. अदरवाइज इससे आपके पेट पर प्रेशर इंक्रीज होगा और आपके बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाएगी, प्लस ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी. अब सही तरीका क्या है सोने का, आपको हमेशा लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम पे. लेफ्ट साइड में करवट लेने से क्या होगा कि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा थ्रू प्लेसेंटा. इसलिए प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए. आप इसके लिए प्रेगनेंसी पिलोज भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका चैन की नींद लेकर सोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिए. तो सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की वो है डोंट स्क्रैच. यस, यानी कि खुजली करना. स्पेशली क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आप 5 to 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एंटर करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो बढ़ रही है, आपका टमी इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से क्या होता है स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और आपको खुजली शुरू हो जाती है जगह जगह पर, स्पेशली आपके पेट पर. तो ऐसे टाइम पर बिल्कुल भी खुजली ना कीजिए, चाहे कितनी भी खुजली आ रही हो, क्योंकि आप जहाँ जहाँ स्क्रैच करेंगे उनके निशान पड़ जाएंगे और वो आगे जाकर भी प्रेगनेंसी के बाद भी वो निशान बहुत ही भद्दे नजर आएंगे आपके चेहरे पर, आपके स्किन पर, आपकी बॉडी पर. तो इसलिए खुजली बिल्कुल मत कीजिए. इसका तरीका ये है कि आप अपनी स्किन को जितना हो सके मॉइस्चराइज करके रखिए, स्किन में बिल्कुल ड्राइनेस मत होने दीजिए. अपने पेट पे, अपने हाथों पे, हर जगह कोकोनट ऑयल की मसाज कीजिए. कोकोनट ऑयल नहीं है तो अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करती हैं. कहने की बात ये कि स्किन को ड्राई मत होने दीजिए, और फिर भी अगर आपको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो भी आप खुजाइए मत, हल्का सा हाथ वहाँ पर फेर लीजिए या किसी भी सॉफ्ट से कपड़े से वहाँ पर आप थोड़ी सी खुजली कर लीजिए, लेकिन स्क्रैच मत कीजिए, नहीं तो आगे जाके निशान रह जाएंगे. तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो है ईटिंग हैबिट्स. प्रेगनेंसी का मतलब फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको दो लोगों का खाना खाना है, आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं. ये एकदम गलत चीज़ है. आपको हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम पे. बैलेंस खाना अब क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम पे आपको एक्चुअली जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना होता है. इसके लिए आप एग्स खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये आप खूब खा सकते हैं. आप सारी दालें खा सकते हैं, दालों में बहुत प्रोटीन्स होते हैं. आप बीन्स खा सकते हैं, बीन्स में भी खूब प्रोटीन होता है. आप सोयाबीन खा सकते हैं, इनमें खूब प्रोटीन होता है. और आप जितने ड्राई फ्रूट्स खाएंगे प्रेगनेंसी में वो भी बहुत अच्छा है. फ्रूट्स खाइए, लेकिन फ्रूट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पपीता और पाइनएप्पल ना खाएं, क्योंकि इनमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बाकी आप फ्रूट्स खाइए, ऑरेंज जूस पिए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, खूब सारे मार्केट में आते हैं. तो हेल्दी खाना खाइए, जंक को एकदम अवॉइड कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से पानी पीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए. इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी टाइम में. तो फोर्थ पॉइंट है लिसनिंग म्यूजिक. जी हाँ, म्यूजिक हम सबको बहुत ही काम रखता है. हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, उसे शांत करता है, हमारे मन को बहुत अच्छा फील होता है. और प्रेगनेंसी टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छा अच्छा फील हो. तो आपको जो भी म्यूजिक पसंद है, लाइट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनिए. इससे आपके बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा. आपने ये चीज़ सुनी ही होगी कि जैसा माँ सुनती है, देखती है, सोचती है, उसका असर बच्चे के ऊपर भी आता है. इसलिए प्रेगनेंसी टाइम पे आप अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए. अगर आपको टीवी देखने का शौक है तो ऐसे सीरियल्स देखिए जिसमें आपको हंसी आए, खुशी हो, ना कि टेंशन हो.
इन सब चीजों का आपके बच्चे पर भी असर होगा, प्लस आप खुद भी बहुत रिलैक्स हो जाएंगे म्यूजिक से। इसलिए प्रेगनेंसी में एक्चुअली काम रहना बहुत जरूरी है, तो लिसन म्यूजिक। नाउ फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फिजिकली एक्टिव। जी हाँ, प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप बेड रेस्ट पे चले जाएं या दिन भर आराम करती रहें, सोती रहें, बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा आपकी बॉडी में, हॉर्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा, प्लस आपके बच्चे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। लेकिन फिजिकली एक्टिव रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर लें। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर आप कोई घर का काम कर रही हैं तो कंटिन्यूटी में वो काम मत कीजिए कि आप सोचेंगे बस इस एक घंटे में दो घंटे में ही घर का सारा काम निपटा दूँ। बिल्कुल नहीं, अपने आप को बिल्कुल ओवर एग्जर्ट नहीं करना। आपको गैप ले लेके काम करना है, थोड़ा थोड़ा बीच में बैठ लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, अदरवाइज जिंदगी भर का बैक पेन रह जाएगा। अगर आप ऑफिशियल काम कर रही हैं तब भी कंटिन्यू एक चेयर पर मत बैठे रहिए, थोड़ी देर के लिए वॉक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, अदरवाइज ये बैक पेन परमानेंट आपके लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप काम कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कोई हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। जैसे कोई भारी चीज नहीं उठानी आपको, लेकिन आपको एक्टिव रहना है पर ओवर एग्जर्ट नहीं करना। सो ओके माई ब्यूटिफुल लेडीज, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखने की हैं प्रेगनेंसी टाइम पे। अपने प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस भी रहिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।